नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। भारत चीन की हुई तल्खी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को एक बड़ा झटका दिया था, जिसके बाद उन्होंने 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। पर अब साइबर अपराधी ने इन ऐप्स के नाम पर फेक यूआरएल्स भेज रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि ये ऐप देश में चलेगा। देखिए, भारत चीन की हुई तल्खी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को एक और बड़ा झटका दिया था। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था, पर अब साइबर अपराधी इन ऐप्स के नाम पर फेक यूआरएल्स भेज रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि देश में ये ऐप चलेगा। इनको फेक यूआरएल्स को डाउनलोड करते ही ये आपके फोन में सेंध लगा रहे हैं। आपको बता दें, इन फेक यूआरएल्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि इनका मकसद केवल आपके फोन का डेटा चुराने का है। सरकार के 59 ऐप्स को बैन करने का यही मकसद था, जिससे देश के किसी भी व्यक्ति की कोई जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो। हाल ही में कैस्परस्काई से एक रिसर्च टीम ने पाया कि साइबर क्रिमिनल्स यूजर्स को फोन में डाउनलोड करने के लिए ये लिंक्स भेजते हैं। इन साइबर क्रिमिनल्स का एक ही मकसद होता है कि यूजर इस लिंक को अपने फोन में डाउनलोड करे और वह उनके फोन में सभी जरूरी डाटा निकाल सके। टिकटॉक प्रो नाम से ये ऐप यूजर जैसे ही अपने डिवाइस में डाउनलोड करता है, तभी ऐप फोन के कॉन्टेंट नंबर और SMS को रीड करने की परमिशन मांगता है। उसके बाद यूजर को अपनी कुछ जानकारी टिकटॉक को लेकर वहां डालनी पड़ती है, जिसके बाद ये साइबर क्रिमिनल्स इसका फायदा उठाकर पैसा कमाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।